बॉलीवुड हो या टीवी की दुनिया, सभी सेलिब्रिटी होली का त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। गुरुवार को कैफ सास ने होली पार्टी सेलिब्रेट की। इस होली सेलिब्रेशन में कैटरीना कैफ ने भी शिरकत की थी। इस खास मौके पर कैटरीना एकदम स्टाइलिश और बोल्ड अंदाज में नजर आई। होली सेलिब्रेशन में उन्होंने डिजाइनर अनामिका खन्ना के कलेक्शन से पहना हुआ था। इस फेस्टिवल में कैटरीना पिंक स्कर्ट और ब्लैक प्रिंटेड टॉप में काफ़ी स्टाइलिश और अवतार में नजर आ रही थी। आउटफिट के साथ उन्होंने हमेशा की तरह लाइमलाइट मेकअप के साथ न्यू लिपस्टिक और कानों में सिंदूर झुमके पहने थे, जो कि उनके लुक को चार चांद लगा रहे थे। उनके स्टाइलिश अंदाज में मीडिया कैमरे को पोज दिए और फोटोग्राफर्स के साथ मस्ती करते हुए नजर आई। कैटरीना की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वर्क फ्रंट की बात करें तो कैटरीना कैफ जल्दी सलमान खान की फिल्म भारत में नजर आने वाली है। सलमान और कैटरीना की जोड़ी भारत में दिखने के लिए दर्शक काफ़ी एक्साइटेड है। भारत का निर्देशक अली अब्बास जफर कर रहे हैं। वही फिल्म में सलमान खान कैटरीना के अलावा भारत में सुनील ग्रोवर, दिशा पटनी, नोरा फतेह अली और तब्बू नजर आएंगी। ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होंगी। इससे पहले सलमान कैटरीना की फिल्म टाइगर जिंदा है में साथ साथ नजर आए थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। सैड न्यूज़ की रिपोर्ट।